डीएस चौहान को उत्तर प्रदेश पुलिस का नया डीजीपी बनाया गया है। चौहान डीजी इंटेलिजेंस के पद पर तैनात थे। वह 1988 बैच के आईपीएस अफसर हैं और मैनपुरी के रहने वाले हैं। उनकी नौकरी फरवरी 2023 तक है, यानी 10 से 11 महीने उनकी नौकरी बची हुई है। डीएस चौहान उत्तर प्रदेश के कई जिलों में एसपी एसएसपी रहे हैं, खासतौर से गाजियाबाद, नोएडा, इन इलाकों में। हालांकि उन्होंने नौकरी की शुरुआत लखनऊ से की थी, जब वो नौकरी में आए थे, शुरू शुरू में अंडर ट्रेनिंग थे, लेकिन इसके बाद वो कई जिलों के कप्तान रहे। झांसी रेंज में वो डीआईजी रहे, बरेली जोन में वो आईजी रहे, यूपी की जेलों के भी वो मुखिया रह चुके हैं। उसके बाद वो केंद्र में भी कुछ दिन उन्होंने अपनी सेवाएं दी हैं। छत्तीसगढ़ में नक्सलाइट अभियान में वो सीआरपीएफ के आईजी रहे हैं। चौहान को उत्तर प्रदेश का कार्यवाहक डीजीपी बनाया गया है। वरिष्ठता क्रम में वो पांचवें नंबर पर हैं इस समय, लेकिन मुख्यमंत्री और सरकार के भरोसे पर वो नंबर वन है और इस भरोसे के कारण ही उन्हें यह पद दिया गया है। डीएस चौहान के साथ इंटेलिजेंस का एक बहुत बड़ा तमगा जुड़ा है, क्योंकि उन्हें फील्ड वर्क का भी अच्छा अनुभव है और उनके बारे में ये माना जाता है कि वो कम बोलते हैं, अच्छी पुलिसिंग करते हैं और निर्णय लेने वाले अधिकारी हैं। डीएस चौहान उत्तर प्रदेश में पुलिस के साफ सुथरा चेहरा है। ईमानदारी के साथ उन्होंने नौकरी की है। उनकी पत्नी भी यूपी की ब्यूरोक्रेसी में बड़े पद पर रही हैं। वो अभी 88 बैच की आईएएस हैं, राधा एस चौहान, और अभी वो भारत सरकार में बहुत बड़े पद पर डीओपीटी, यानी कि जो पूरे देश के आईएएस अफसरों का कंट्रोलिंग विभाग है, उसकी वो सेक्रेटरी हैं। डीएस चौहान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के भरोसे पर काफी खरे उतरने वाले अफसर साबित हुए हैं। यही वजह है कि सरकार ने उनको एक महत्वपूर्ण ये जिम्मेदारी दी है। सरकार चाहती तो कोई नया डीजीपी भी तैनात कर सकती थी, लेकिन चौहान की काबिलियत और उत्तर प्रदेश पुलिस में उनकी पकड़ को देखते हुए उनको यह पद दिया गया है। डीएस चौहान एक ऐसे कमांडर हैं जो अपराधियों के मामले में कोई समझौता नहीं करता। भ्रष्टाचार पर भी उन्होंने कई बार कठोर कार्रवाई की है। चौहान के बारे में एक किस्सा बड़ा प्रसिद्ध है। तब वह एसएसपी गाजियाबाद हुआ करते थे, जो आजकल हापुड़ जिला है, तब वह गाजियाबाद के अंडर में ही आता था, तब नया जिला हापुड़ नहीं बना था। उस समय गढ़ मुक्तेश्वर थाना था, जहां पर चेकिंग के दौरान बदमाशों ने एक दरोगा की गोली मारकर हत्या कर दी थी। वो घटनास्थल जिला मुख्यालय से 80 किलोमीटर दूर था, लेकिन डीएस चौहान ने जिला मुख्यालय और बंगला छोड़कर गढ़ थाने में ही कैंप कर दिया। जब कमांडर थाने में आकर बैठ गया और ऐलान कर दिया कि जिसने मेरे दरोगा की हत्या की है, जब तक वो हत्यारा जिंदा या मुर्दा नहीं पकड़ा जाएगा, तब तक वह इस थाने से वापस घर और जिला मुख्यालय पर नहीं जाएंगे। ये होता है जज्बा और ये होता है अपनी पुलिस फोर्स का मनोबल बढ़ाने का तरीका। 11 दिन बाद दरोगा की हत्या करने वाला वो अपराधी मुठभेड़ में मारा गया। तब जाकर एसएसपी गाजियाबाद डीएस चौहान अपने मुख्यालय वापस लौटे। तो ये कमांडर जिस तरह से आगे बढ़कर पुलिस फोर्स का नेतृत्व करता है, आज वो उत्तर प्रदेश की सर्वोच्च कुर्सी पर बैठा है। पुलिस की 4 लाख से ज्यादा के संख्या बल वाली यह पुलिस पूरे देश में सबसे बड़ी है, और ऐसी इच्छा शक्ति के अफसर अगर उनको मिले हैं तो इस बार ये कहा जाएगा कि मामला टक्कर का होगा, चाहे अपराधी हो और चाहे गलत काम करने वाले। ये जरूर है कि चौहान शालीनता से रहते हैं, कम बोलते हैं, रिएक्शन कम देते हैं, लेकिन कार्रवाई कठोर करते हैं। बहुत सारी बातें होती हैं कि कार्यवाहक है, अल्पकालिक है, पूर्णकालिक डीजीपी कब बनेगा, कब आएगा, बहुत सारे सवाल उठते हैं।
लेकिन काबिलियत को, प्रतिभा को किसी जाति से, किसी हालात से, स्थिति से नहीं रोका जाना चाहिए। किसी के पास समय कम है इसका मतलब ये नहीं है कि उसकी प्रतिभा में कोई कमी आ जाएगी। डीएस चौहान उत्तर प्रदेश पुलिस को नई बुलंदियों और ऊंचाइयों पर ले जाएंगे। ईमानदारी के साथ मजबूत पुलिस बल के तौर पर उत्तर प्रदेश में पुलिस की साख को और बढ़ाएंगे, हम ये उम्मीद करते हैं।